हाय फ्रेंड्स, आज आपको बताने जा रही हूँ मसूर की दाल की भपौरियाँ, जिसका हम सालन या सब्जी भी कहते हैं। सालन भी बनाते हैं और सब्जी भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है, और 8 से 10 मैंने काली मिर्च ली है, 4 लौंगे लिए हैं, आधा हाफ टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर जिसमें मेरा जायफल, जावित्री, दालचीनी और काली मिर्च, लौंग, इलायची सभी है, सफेद इलायची, और 1 कप या 1 बाउल मैंने मसूर की दाल, उसको पहले भिगो दिया है। देखिए, इस मैंने भीगी हुई है ये, मेरी मैंने पहले ही भिगो के रख दी है। इसके लिए आप मसूर की दाल को 1 से 2 घंटा भिगोइए, उसके बाद हम इसको पीसेंगे मिक्सी के जार में डालकर। इसके लिए मैंने उसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 टमाटो लिए हैं, 1 प्याज है, 1 लहसुन की गांठ है, और ये 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का है। इसको मैंने देखिए बड़े बड़े टुकड़े पीसेस में काटना है, क्योंकि मुझे पीसना है मिक्सी में, तो इसलिए मैंने बड़े बड़े पीसेस में काटा है। इसको अभी लहसुन को मैं अभी इसको छील के साफ करके तब मिक्सी में पीसूंगी। अब मैं मिक्सी के जार में ये सब मसालों को पीस लेती हूँ, टमाटर वगैरह काट लेती हूँ। मैंने इसको धो लिए हैं, धोने के बाद अब हम इसको जार में काट लेंगे, बड़े बड़े पीसेस में काट दें, जिस तरीके से आप अपने घर में सब्जी बनाते हैं और काटते हैं उसी हिसाब से आप काट लीजिएगा। मैं भी बड़े बड़े पीसेस में काट रही हूँ, क्योंकि हमें पीसना है। देखिए, मैंने मिक्सी में डालकर ये सब चीजें पीस ली, यानी कि लहसुन, प्याज, टमाटर मैंने इसको पीस लिया है। अब इसी में हम मिलाएंगे इसमें धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं, चिली पाउडर और सॉल्ट और हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 ही हम डालेंगे टेबल स्पून चिली पाउडर और 1/2 टेबल स्पून नमक, यानी कि व्हाइट सॉल्ट। देखिए, मैं दिखा भी देती हूँ आपको, 1 टेबल स्पून या 1/2 टेबल स्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिए आप। रेड चिली पाउडर है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून व्हाइट सॉल्ट यानी कि नमक, 1/2 टेबल स्पून। अब हम इसको एक साइड कर देंगे। अब हम इसको, ये जो हमने दाल ली थी, अब हम इसको दाल को मिक्सी में, मतलब पानी को निचोड़ कर मिक्सी में पीस लेंगे। पहले मैं 5 छलनी में इसको पानी को निचोड़ूंगी, मैं छलनी में इसका पानी बिल्कुल सुखा दूंगी, फिर उसके बाद हम मिक्सी में इसको पीस लेंगे। देखिए, मैंने दाल को भिगोया, जो भीगी हुई मेरी दाल थी उसको मैंने छलनी में डाल के उसको थोड़ी देर पानी उसका निचोड़ दिया है, और ये जो मैंने गरम मसाला वगैरह लिया था, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, 1/2 टेबल स्पून मेरा जीरा है, 6 से 8 काली मिर्च है, 4 लौंगे हैं, ये मैं इसमें डाल के इसको पीस लूंगी। अब मैं इसका पेस्ट बना लूंगी, जैसे आप दही बड़ों वगैरह के लिए बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें बनाना है, उसके बाद हम इसको फेटेंगे। अगर फेटने के बाद भी आपका थोड़ा सा वो नहीं फूल रही है या खस्ता नहीं हो रही, तो आप थोड़ा सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। देखिए, मेरी दाल पीस गई है, अब इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से फेंट लूंगी। पहले तो लोग सिल में ही पीसते थे, मेरी ताई थी, ताई बहुत बनाती थी मेरी, तो वो सिल में ही सारे मसाले पीस के बहुत अच्छे टेस्टी करके बनाती थी, तो जब भी बनाती थी तो जरूर मुझको खिलाती थी, तो इसलिए आज मुझे उन्हीं की याद आई, तो मैंने कहा लो यही बनाती हूँ, वो बहुत बनाती थी और मेरे लिए बहुत ही जरूरी मुझको देती थी, तो वो सिल में पीसती थी, मगर वो सिल का टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, मैंने तो मेरा खैर मिक्सी में पीसा है, तो पता नहीं उतना टेस्ट आता है या नहीं आ पाएगा, और देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। और इसको मैं खूब अच्छे से फेंट रही हूँ, और इसके बाद अगर आपका बाई चांस नहीं फूलती है या कुछ होता, तो 1 चुटकी आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। हमें ग्रेवी बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन रख दिया है, गैस ऑन कर दिए, मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे सरसों का मैंने ऑयल लिया है, आप चाहे रिफाइंड भी ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून मैं ऑयल डालूंगी। ये मेरा अभी इसको ये कड़क जाए, इसके बाद मैं इसमें
देखिए मेरा तेल हो गया है। अब इसमें मैंने जो कसूरी मेथी ली थी वो मैं इसको क्रश करके थोड़ा सा ऐसे करके डाल देती हूँ, डाल दी है मैंने। और ये जो मैंने ग्रेवी के लिए मसाला तैयार किया था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। देखिए अच्छे से हम इसको भून लेंगे, जैसे हम मसाला और भी सब्जी का या किसी भी सालन का मसाला भूनते हैं उस तरीके से हम इसको भून लेंगे। और हमारा भून रहा है, जब तक मैंने इधर अपनी कढ़ाई रख दी है क्योंकि मेरा उसका मसूर की दाल का जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा, मैं इसमें उसको फ्राई करूंगी। पहले तो लोग स्टीम करते थे, चलनी पे रख के उसको स्टीम में पकाते थे, मैं इसमें तेल में ही उसको फ्राई करूंगी। देखिए मेरा बैटर तैयार है, क्योंकि फूल के देखिए कितना हो गया, आपको उस वक्त देखा ही था आपने कितना था, क्योंकि मैंने फेट पेट के इतना हो गया है मेरा। उधर मैंने तेल रख दिया है, अब मैं तेल मेरा जरा कड़क हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। देखिए मेरा ऑयल हो गया है, अब मैं इसको इस तरीके से इसमें फ्राई करूंगी। पहले लोग स्टीम में करते थे, जैसे हम लोग चलनी पे रखकर तब बनाते थे, हमारी ताई मेरी ताई तो उसी पे बनाती थी, नीचे से भगोना रख के उसको ऊपर चलनी रखकर तब बनाती थी, मगर मैंने इसको आपको फ्राई करके दिखाया है। देखिए मैंने सबको पलट दिया है और हम इसको मीडियम आंच पे ही, स्लो आंच पे ही करेंगे, क्योंकि अंदर से जब तक सिकेंगी नहीं, जब तक वो नहीं फिर अंदर से ये कच्ची रह जाती हैं, इसलिए हम मीडियम या बिल्कुल स्लो आंच पे भी आप कर सकते हैं, हल्के हल्के अंदर तक से जिससे सिक जाए। देखिए मेरी ये हो गई है, लाइट ब्राउन हो गई है बिल्कुल। अब मैं इसको देखिए निकाल लेती हूँ प्लेट में। मैंने प्लेट में निकाल लिया है। देखिए एक तरफ मेरा मसाला भून रहा है, मेरा मसाला भी भून रहा है, जब तक जब इसमें तेल जब तक ऊपर ना आ जाएगा जब तक हम इसको भूनते रहेंगे। देखिए दोस्तों मैंने इसको पानी, नमक का पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, उसमें मैंने इनको डिप कर दिया है, क्योंकि इसलिए ये अगर हम मसाले में इसको डालेंगे सारा तेल पी जाती हैं, तो थोड़ा सा हम पानी में एक दो सेकंड के लिए पानी में हम भिगो देते हैं इसको, फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। देखिए मैंने एक दो सेकंड के लिए पानी में इसको भिगो दिया है, क्योंकि इसलिए मैं ये बता देती हूँ क्यों भिगोया मैंने पानी में। पानी में मैंने इसलिए भिगोया था क्योंकि अगर हम मसाले में डालेंगे ये सारा मसाला पी जाती है और तेल भी पी जाती है। तो मैंने ये थोड़ी छोटी बनाई है और ये जो मैंने बनाई थी ये थोड़ी बड़ी है, आप दोनों शेप में से किसी भी शेप के आप बना सकते हैं। अब मेरा देखिए मसाला भून रहा है, लगभग भून ही गया है, तेल ऊपर आ गया है मेरा। हाँ अब इसमें मैं ये अपनी भपौरियां जो मैंने फ्राई करी थी इसको मैं इसको ऐड कर दूंगी। देखिए और हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि जिससे इसमें का मसाला जो है वो इनके अंदर चला जाए। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब मैं जिस तरीके से आपने आपको ग्रेवी वाला रखना है, तो आपने थोड़ा सा, मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो मैं डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा मसाला चाहिए तो आप अपने उसी हिसाब से रख लीजिए, थोड़ा सा इसमें पानी ज्यादा रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा पीती भी है, ऑब्जर्व करती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी, एक कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अगर बाद में ये सूख जाते हैं तब भी आप उसको दोबारा थोड़ा सा पानी डाल के इसको सही कर सकते हैं। जो ये गरम मसाला पाउडर लिया था इसको मैं ऐड कर दी और अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। अब इसमें मैं एक से दो, आप जितने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 3 टेबलस्पून मैं क्रीम ऐड कर रही हूं और इसको कर देंगे। अब इसको ढक के 2 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे, उबाल देंगे, जैसे थोड़ा सा तेल व ग्रेवी और सही से हमारी हो जाए, उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए, 2 मिनट के लिए हम उसके
बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, मेरी मसूर की दाल की भपौरियां तैयार हैं, जो मेरी ताई की स्पेशल है, स्पेशल डिश है। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काट के रखा हुआ है, जो मैं अभी इसमें डाल देती हूँ। और देखिए दोस्तों, आप बताइए खाकर, और बनाइएगा जरूर और खाइए, और बताइए कमेंट सेक्शन में करके कैसी बनी है। और वाकई मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं ये, और आप बताइए आपको कैसी लगी। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।